सबसे पहले बात ऑड इवन स्कीम की करते हैं। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऑड इवन फॉर्मूले के बीच सीएनजी से गाड़ी चलने वालों को अब परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ऑड इवन फॉर्मूले के लिए आज से सीएनजी कारों पर स्टिकर्स लगाने का काम शुरू हो गया है। आज सुबह 6 बजे से ही आईजीएल के सभी सीएनजी स्टेशन पर स्टिकर्स मिलने शुरू हो गए हैं। ये स्टिकर्स फ्री में मिल रहे हैं, उन गाड़ियों को मिल रहे हैं जिनकी गाड़ियों में कंपनी फिटेड सीएनजी लगी हुई है, और साथ ही गाड़ियों की आरसी पर सीएनजी दर्ज है, जिनकी आरसी में लिखा है कि ये कंपनी फिटेड सीएनजी किट का इस्तेमाल करके गाड़ी चल रही है, उन्हें फ्री में ये स्टिकर्स मिल रहे हैं। खास स्टिकर्स बनाए गए हैं, होलोग्राम भी लगाया गया है ताकि कोई डुप्लीकेशन या फिर कोई पायरेसी या गलत तरीके से स्टिकर्स ना बना सके, और फ्री में ये स्टिकर्स मिलने शुरू भी हो गए हैं। इवन और ऑड पॉलिसी 1 जनवरी से लागू होने वाली है। इस वक्त आप मेरे हाथ में जो ये स्टिकर देख रहे हैं जिस पर सीएनजी लिखा हुआ है, ये स्टिकर्स तमाम सीएनजी स्टेशन से लोगों को दिए जाएंगे जिनके पास सीएनजी गाड़ियां हैं, लेकिन उसके लिए भी क्राइटेरिया बनाया गया है। अब की गाड़ी के अंदर जब सीएनजी किट लगाई जाती है और उसको आरसी पर चढ़ा दिया जाता है आरटीओ के द्वारा या अथॉरिटी के द्वारा, तो तभी आपको ये स्टिकर दिया जाएगा। बकायदा आपसे दस्तावेज भी मांगे जाएंगे और दस्तावेज मिलने के बाद ही आपकी गाड़ी पर इस तरीके से ये स्टिकर यहाँ पर लगाया जाएगा। इस स्टिकर के अंदर बकायदा सीरियल नंबर भी दिया गया है, ये आपके सामने MV29 ये सीरियल नंबर है, गाड़ी का नंबर भी बकायदा इस पर लिखा जाता है ताकि ये स्टिकर कोई और अपनी गाड़ी में ना लगा सके। अगर एक बार किसी गाड़ी में ये लग गया तो इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा आपको एक सीरियल नंबर इसमें और नजर आएगा, ये जो आप देख रहे हैं 00202462, ये भी एक सीरियल नंबर है, और ये सीरियल नंबर बकायदा एहतियात के तौर पर इनमें दिया गया है ताकि इन स्टिकर्स को कहा जाए कि इनकी नकल ना बनाई जा सके। ये एक गाड़ी हमारे सामने है जिस पर अभी अभी सीएनजी इन्होंने डलवाई थी और इनको बकायदा ये स्टिकर मिला है। हमारे साथ गाड़ी के मालिक मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप बताइए अनित जी, क्या कुछ आपसे दस्तावेज मांगे गए थे जब आप सुबह यहाँ पर सीएनजी भराने के लिए आए? दस्तावेज के तौर पर इन्होंने आरसी मांगी थी जिसपे आरसी के ऊपर सीएनजी चढ़ी होनी चाहिए, ये इन्होंने मैंडेटरी कहा है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट का रूल, जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग टू। कितना सही मानते हैं आप इस कदम को कि सीएनजी गाड़ियों पर स्टिकर लगाया जाए? इस कदम तो सही है और बेहतर लाभ होगा भविष्य में, लेकिन ये ऑड इवन पॉलिसी लंबे समय तक चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है हम कह सकते हैं ये केवल एक जुगाड़ मात्र है। इसके लिए प्रॉपर कानून बनाने की जरूरत है, जब तक कोई कानून नहीं बनेगा, क्योंकि जुगाड़ से देश नहीं चलता। आपकी गाड़ी यूजुअली कहाँ से कहाँ तक चलती है? दफ्तर तक जब जाते होंगे या स्कूल बच्चों को छोड़ने? हाँ, बच्चों के स्कूल के लिए जाते हैं। मेरी गाड़ी रोज कम से कम 70 से 80 किलोमीटर चलती है। और ऐसे में अगर आपके पास स्टिकर ना होता तो आगे दिक्कत हो सकती है? बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती थी, रूल को फॉलो करना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये आप इस समय राहत की सांस ले रहे हैं स्टिकर? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं ये स्टिकर लगवा करके राहत की सांस ले रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि आरसी के अंदर किस तरीके से सीएनजी चढ़ी होनी चाहिए। मेरे पास इनकी गाड़ी की आरसी मौजूद है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है DL2CAN6449। इसके अलावा गाड़ी के अंदर जब आप सीएनजी लगवाते हैं या फिर कंपनी फिटेड सीएनजी होती है तो इस तरीके से फ्यूल के आगे पेट्रोल और सीएनजी PET CNG का ये लिखा होता है इस तरीके से, और उसके बाद जब आप अपनी आरसी ये सीएनजी स्टेशन पर दिखाएंगे तो आपको एक स्टिकर दिया जाएगा जिससे कि आपकी गाड़ी सीएनजी की है इस बात की जानकारी जो है तमाम जो अधिकारी या फिर पुलिसकर्मी सड़क पर मौजूद है उन्हें मिल जाएगी, और ये भी पता चल पाएगा कि आपकी गाड़ी के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है ये फर्जी नहीं है। बकायदा ये सीएनजी के जो ऑथराइज पेट्रोल पंप सीएनजी स्टेशन है वहां से आपको ये दिया गया है। तमाम तरह की चीजें हैं। इस स्टिकर की खासियत यहाँ पर यह भी है कि इस पर होलोग्राम भी लगाया हुआ है, और इससे ये पता चलता है कि ये जो स्टिकर है ये अपने आप में असल है, इसकी कोई नकल नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, मुफ्त में सीएनजी स्टेशन पर दिए जा रहे हैं, और साफ तौर पर ये एहतियात के तौर पर स्टिकर दिए जा रहे हैं ताकि कोई भी शख्स सीएनजी का कोई फर्जी या फिर नकली स्टिकर अपनी गाड़ी पर लगा करके दिल्ली की सड़कों पर ना उतरे। अगर आप ये सीएनजी का स्टिकर नहीं लगवाते हैं गाड़ी के ऊपर तो यकीनन आपके साथ आने वाले दिनों में दिक्कतों का सामना आपको जरूर करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज दिल्ली। यहाँ पर यह साफ कर दें कि अगर आपकी गाड़ी में कंपनी फिटेड सीएनजी लगा है तो आपके आरसी में पहले से ही सीएनजी का लिखा हुआ होगा, दर्ज होगा, लेकिन अगर आपने बाहर से सीएनजी किट लगाई है तो आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा, वहां से अपनी आरसी में इसको करवाना होगा दर्ज, और उसके बाद ही आपको ये स्टिकर्स मिल सकते हैं। लेकिन